मॉर्निंग एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करते हैं डिबेंचर्स के बारे में। आपको पता होगा कंपनी वेरियस सोर्सेस से फंड को जनरेट करती है, वो इक्विटी शेयर इशू कर सकती है, प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है, बैंक से लोन ले सकती है और पब्लिक से लोन ले सकती है। जो कंपनी पब्लिक से लोन लेती है वो डिबेंचर्स के थ्रू लेती है। मीन्स अगर आपने शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है देन यू आर ओनर ऑफ द कंपनी, और अगर आपने किसी कंपनी के डिबेंचर्स को परचेज किया है तो आप कंपनी के क्रेडिटर्स हो। अगर आप शेयर्स परचेज करते हो तो कंपनी आपको डिविडेंड पे करती है, और अगर आप डिबेंचर परचेज करते हो तो कंपनी आपको इंटरेस्ट पे करती है। डिविडेंड डिपेंड करता है आपका कि कंपनी को जो प्रॉफिट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको डिविडेंड दिया जाएगा। मीन्स रिस्क फैक्टर होता है, अगर कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो कंपनी उसी रेशियो में आपको प्रॉफिट डिविडेंड देगी, कंपनी को कम प्रॉफिट होगा आपको डिविडेंड कम मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड में रेट और डिविडेंड आपकी फिक्स होती है, जो रेट होगी उस रेट के अकॉर्डिंग आपको डिविडेंड रिसीव होगा। डिबेंचर में आपको इंटरेस्ट मिलता है, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो उसका इफेक्ट आपकी इंटरेस्ट इनकम पे नहीं पड़ेगा। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस रेट के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। अब कंपनी जो डिबेंचर को इशू करती है वो तीन तरह से इशू कर सकती है, तीन तरह की प्राइस फैक्टर, तीन तरह की प्राइस बेस बना सकती है। फर्स्ट, डिबेंचर इशूड एट पार, मीन्स डिबेंचर ने जो शेयर इशू किया है वो फेस वैल्यू के इक्वल है। सपोज अगर किसी डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है तो कंपनी ने उसको 100 रुपीज़ में इशू किया। एट प्रीमियम, जब डिबेंचर की इशू प्राइस फेस वैल्यू से ज़्यादा होती है देन एक्सेस वैल्यू इज कॉल्ड एज ए प्रीमियम, मीन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से जाना जाता है। और कंपनी जब एक्सेस प्राइस रिसीव करती है तो इसको बोलते हैं डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम। थर्ड कंडीशन, जब डिबेंचर को उसके फेस वैल्यू से कम पे इशू किया जाता है देन इट इज़ कॉल्ड डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट। फॉर द एग्जाम्पल, फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर 100 रुपीज़ एंड इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर 95 रुपीज़, देन डिस्काउंट पार्ट इज द ₹5 पर डिबेंचर। तो तीन तरह से इशू प्राइस बेस बनाया जा सकता है, इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम एंड इशूड एट डिस्काउंट। अब जब कंपनी को मार्केट से फंड को जनरेट करना होता है तो कंपनी आपको दो ऑप्शन दे सकती है, होल वैल्यू इज पेबल एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। मीन्स आप जितने भी डिबेंचर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो उसकी जो भी वैल्यू है आपको एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन पे करनी होगी। सेकेंड कंडीशन, ऑप्शन दे सकती है कंपनी आपको डिबेंचर इशूड इन इंस्टॉलमेंट, कि कंपनी ने जो डिबेंचर इशू किया है, एप्लीकेशन मांगी है आपसे, उसमें आपको ये ऑप्शन दे रखा है कि आप कुछ पेमेंट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन दे दें, उसके बाद कुछ पेमेंट आप अलॉटमेंट पे दे दें, फर्स्ट कॉल पे दे दें, सेकेंड कॉल पे दे दें। यानी कंपनी इंस्टॉलमेंट डिसाइड कर सकती है, इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन आपको दे सकती है। अगर कंपनी ने सिर्फ दो ऑप्शन दिए हैं आपको, दो इंस्टॉलमेंट में पैसा आपसे रिसीव करना है, देन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज नोन एज ए एप्लीकेशन, सेकेंड इंस्टॉलमेंट इज नोन एज ए अलॉटमेंट। अगर कंपनी ने इंस्टॉलमेंट के तीन ऑप्शन दे रखे हैं, तीन इंस्टॉलमेंट को डिसाइड कर रखा है, देन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज डिबेंचर एप्लीकेशन, सेकेंड इज डिबेंचर अलॉटमेंट एंड थर्ड इज डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इसी तरह से कंपनी ने अगर फोर इंस्टॉलमेंट में पेमेंट रिसीव करना है कंपनी को, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज कॉल्ड एज ए डिबेंचर एप्लीकेशन, सेकेंड इंस्टॉलमेंट इज कॉल्ड एज ए डिबेंचर अलॉटमेंट,
थर्ड इंस्टॉलमेंट इज कॉल्ड डिवेंचर फर्स्ट कॉल एंड फोर्थ इंस्टॉलमेंट इज कॉल्ड डिवेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। इस तरह से हम लोग नेम डिसाइड करते हैं इंस्टॉलमेंट के। अब हम लोग आते हैं कि इंट्रीज किस तरह से पास होगी। इसमें हम लोग कंडीशन वाइज, जैसे हमने आपको बताया था कि आप एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन भी कंपनी आपसे पूरी अमाउंट को रिसीव कर सकती है और कंपनी चाहे तो आपसे इंस्टॉलमेंट में भी वैल्यू को रिसीव कर सकती है। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि कंपनी ने अगर पूरी वैल्यू मीन्स होल वैल्यू रिसीव की है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन तो किस तरह से हम एंट्री पास करेंगे। तो देखिए, आपका फुल अमाउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, पूरी वैल्यू आपको एप्लीकेशन के टाइम पे देनी है। इसमें केस वन है आपका व्हेन डिवेंचर इशूड एट पार। एक पॉइंट हमने आपको बताया था कि कंपनी डिवेंचर को एट पार इशू कर सकती है, एट प्रीमियम इशू कर सकती है और एट डिस्काउंट इशू कर सकती है। तो फर्स्ट कंडीशन इज द व्हेन डिवेंचर इज इशूड एट पार। तो इसमें हमें दो एंट्री पास करनी होगी। फर्स्ट एंट्री फॉर द रिसिप्ट ऑफ द डिवेंचर एप्लीकेशन मनी एंड सेकेंड एंट्री इज द फॉर ट्रांसफर ऑफ डिवेंचर एप्लीकेशन मनी टू डिवेंचर अकाउंट। क्योंकि आप जो अमाउंट रिसीव कर रहे हो बेसिकली वो किसके लिए रिसीव कर रहे हो, डिवेंचर के लिए रिसीव कर रहे हो। देन फर्स्ट एंट्री इज द बैंक अकाउंट डी आर टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एंड सेकेंड एंट्री इज द फॉर द ट्रांसफर ऑफ द डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट टू डिवेंचर। देन एंट्री इज द डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डी आर टू डिवेंचर अकाउंट। केस टू, व्हेन डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम। अब यहाँ पे कंपनी आपसे एक्सेस वैल्यू ले रही है, जो फेस वैल्यू है उससे जो भी पार्ट एक्सेस मिलेगा दिस इज कॉल्ड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो फर्स्ट एंट्री इज द बैंक अकाउंट डी आर टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एंड सेकेंड एंट्री इज द डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डी आर टू डिवेंचर्स अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। फॉर द एग्जाम्पल, आपने एक डिवेंचर के लिए अप्लाई किया, कंपनी के पास एक एप्लीकेशन आई और इश्यू प्राइस था 110, फेस वैल्यू 100 थी। देन फर्स्ट एंट्री इज द बैंक अकाउंट डी आर टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 110 एंड 110। इन द सेकेंड एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डी आर 110 टू डिवेंचर 100 रुपीज़, जो फेस वैल्यू है वो डिवेंचर में ट्रांसफर हो गई। देन टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 5 रुपीज़। थर्ड केस इज द व्हेन डिवेंचर इशूड इन डिस्काउंट। अब हमने डिवेंचर को डिस्काउंट पे इशू किया, मीन्स आपकी जो इशू प्राइस है वो फेस वैल्यू से कम है। फॉर द एग्जाम्पल, कंपनी ने डिवेंचर को 90 रुपीज़ पे इशू किया। देन फर्स्ट एंट्री इज द बैंक अकाउंट डी आर टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट रुपीज 90। सेकेंड एंट्री इज द डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डी आर 90 रुपीज़, और जो 10 रुपीज़ का डिस्काउंट था वो आपका डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा एज ए लॉस। देन डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डी आर 10 रुपीज़ टू डिवेंचर 100 रुपीज़। तो इस तरह से हम एंट्री पास करेंगे, व्हेन होल वैल्यू इज रिसीवेबल एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, और अगर इंस्टॉलमेंट में कंपनी रिसीव करती है तो किस तरह से एंट्री पास करेंगे, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।